हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने रिटेल स्टोर के अंदर कैसे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं। देखिए, फुटफॉल बढ़ाना एक अलग चीज है, मगर एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा सबके माइंड में आता है कि मैं अपनी दुकान खोल के बैठा हूँ, मेरे पास तो फुटफॉल ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आता है। उसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है इसमें। पहला कारण यह है कि आप एक ऐसी दुकान ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं जहां पे बहुत सारी दुकानें हैं और वहां पे कस्टमर लिमिटेड है, दुकानें ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो फिर अब क्या होगा वहां पे, जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली वो जो परचेजिंग पावर है वो डिवाइड हो जाएगी उन दुकानों के बीच में, पहला बात। दूसरी बात यह है कि आप जो स्टॉक रखे हैं वो उसकी उसमें क्या आप एक स्पेशल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपके पास इतना स्टॉक रखा है कि कस्टमर जब आपके दुकान के बाहर आके खड़ा होता है तो उसको कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ, आपके पास वो सामान मिलेगा। वो शायद एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार आना बंद कर देगा। तो आपके पास स्टॉक मिक्स होना बहुत जरूरी है, आपके पास छोटा छोटा स्टॉक होना जरूरी है। और अगर वो नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं, मैं इसको क्यों रखूं, ये तो छोटा आइटम है, मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बनता है। यस, प्रॉफिट शायद इतना ना बने, मगर वो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज वो कैटेगरी फिलर है। कस्टमर जब आपकी दुकान में आके सामान खरीदना चाहता है तो वो ये नहीं वेट करना चाहता है कि मैं दो सामान आपसे खरीदूं और छह सामान किसी और दुकान से खरीदूं। और बहुत बार मैंने देखा है दुकानों के साथ कि जब भी जाओ आप कुछ मांगने के लिए, वहां पे उनका एक सामान या दूसरा सामान नहीं मिलता है। तो फिर कस्टमर सोचता है कि इसकी दुकान में जाने से अच्छा उस दुकान में जाओ जहां पे मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मेरे को, मगर सारा सामान वहां पे मिल जाएगा। तीसरा है बिहेवियर। आप अपने कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप उसको उसके नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं? आपको पता है वो कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं? कई बार क्या होता है, कस्टमर आता है, बोलता है सर मेरे पास 10 रुपये कम है और क्या मैं आपको अभी सामान ले जाऊं, मैं आपको दे दूंगा। बहुत बार हमने देखा है दुकानदार बोलते नहीं सर, नहीं, आप पूरा कैश दीजिए तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे। तो वो मेरे ख्याल से वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है, और जब रिलेशनशिप बिल्ड होगी तब कहीं जाकर के उससे आपको फायदा मिलने लगेगा। और उसके अलावा आपने अपने दुकान के आसपास 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आपने किस तरह की मार्केटिंग करी है? क्या आप लोगों के घरों में गए हैं विद अ फोल्डेड हैंड्स विद अ लीफलेट एंड इनवाइटेड देम टू योर स्टोर टू योर शॉप? आपने क्या कोई ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स रखे हैं जो इतने कम प्राइस पे आप देते हैं जो शायद कहीं भी ना मिलते हो, और वो एक कारण बन सकता है उस कस्टमर के लिए आपकी दुकान में आकर के सामान खरीदने का? तो ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और आप जैसे एग्जाम्पल है, अगर आप एग्स बेचते हैं, एक अगर मान लीजिए 6 रुपए का आप MRP में बेचते हैं और 3 रुपए का पड़ता है, तो आप अगर उसको 4 रुपए में या 5 रुपए में बेचते हैं तो कस्टमर के पास एक रीजन होगा आपकी दुकान में आने के लिए। ब्रेड है, ब्रेड अगर 40 रुपए की मिलती है बड़ी वाली, और उसको आप अगर 38 या 39 में बेचते हैं, तो एक रीजन होगा कस्टमर के लिए आपकी दुकान में आने के लिए। आप शायद उस प्रोडक्ट पे इतना मुनाफा ना कमाएं, मगर जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो कस्टमर आपसे और भी प्रोडक्ट्स लेके जाएगा। और उसके बाद आपने अपने अगर स्टॉक में इम्प्रूवमेंट कर दिया, अवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट कर दिया, सर्विस लेवल में इम्प्रूवमेंट कर दिया, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट कर दिया, मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो आप एक दूसरे जो दुकानदार है, आप दूसरे दुकानदारों से बहुत अच्छी अपनी इमेज बना सकते हैं कस्टमर के सामने, जो कि बहुत वैल्यूबल हो सकती है आपके बिजनेस के लिए। थैंक यू।